नागेश भैया बर्बाद। इसके बाद क्या लगता है मतलब तैयार करने क्या घर सर। हमारा जी जिंदगी चल रहा था जे हम कर्जा पैंचा ले करके और बैंक से लोन ले करके इस दुकान को सजाए थे। इसी दुकान को सजाने के लिए हमारी बचवा के इसी पर बैठे हुए थे। रात 1 बजे रात में एकाएक घटना वो लेन हो चाहे शॉर्ट सर्किट से सर आग लग गया है तो बचवा आकर के हमारी मारी रो रही थी। रोड पर सूता हुआ था पूरा अगल बगल के पड़ोसी आकर के उसको बचवा के उठा करके धर पकड़ किया। उसको बाद में पावर हाउस में फोन कर करके और लाइन कटवा करके उसके बाद में आग लगने वाली गाड़ी आई है उसको बाद में मुझाए हैं। मुझाने के बाद उसको सब शांति उन्ति कर करके सल अथी हुआ है। इसके बाद हम लोग गरीब आदमी है इसी से कमा रहे थे खा रहे थे। 3 बाप बेटा इस दुकान में लगे हुए थे। बस कितना का नुकसान हुआ? नुकसान हुआ था वही 25-26 लाख रुपया का सर नुकसान है। ठंडा के मौसम में बिजली के सर्किट से? हाँ बिजली के सर्किट से सर आग लग गया ठंडा के मौसम में। हमारी नाम है सर मिथिलेश दास। मकान मालिक के ऊपर से फोन आया 1 बजकर कुछ मिनट में आग लगी हुई है। तो उस समय हम देखे तो धीरे धीरे चिंगारी निकल रहा था शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। तो हम आए किसी तरह जान लेकर किसी तरह शटर खोले और उसके बाद क्या हुआ कि निकाले तो खोलने के बाद उनमें से चिंगारी तेज निकला और बिजली इतना रफ्तार हुआ जो हम लोग को संभव नहीं। तब अग्निफायर को फ़ोन किया गया। अग्निफायर प्रशासन सब लोग आया तब आग को कंट्रोल किया गया उसको मुझा करके इसको शांत किया गया है। कितना का संपत्ति जल कर रखा? कोई 25-26 के आसपास 25-26 लाख होगा। उसको आग पर काबू नहीं पाया जा सकता? नहीं। कैसे लगता है कैसे आग लगा? वो शॉर्ट सर्किट से लग गया है और रात में हम बिजली जी आग आसपास के दुकान में फैला है? नहीं आसपास वाला बचा हुआ था उसको सब बचा दिया गया था पब्लिक सब था बचा गया सबको कंट्रोल किया गया। किस चीज़ का दुकान? हार्डवेयर की दुकान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश दास हुआ।